दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 6:28 से देर रात 2:41 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 दिसंबर की सुबह 10:17 से दोपहर पहले 11:14 तक और फिर दोपहर पहले 11:45 से शाम 4:40 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 दिसंबर की सुबह 7:14 से दोपहर पहले 11:29 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 दिसंबर की सुबह 8:14 से सुबह 8:35 तक और सुबह 10:17 से दोपहर पहले 11:14 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 26 दिसंबर की सुबह 8:14 से सुबह 8:35 तक और एक बार फिर सुबह 10:17 से दोपहर पहले 11:14 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:28 से रात 9:27 तक और फिर रात 11:45 से देर रात 2:41 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 दिसंबर की सुबह 10:17 से दोपहर पहले 11:14 तक और एक बार फिर शाम 6:55 से देर रात 1:40 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 दिसंबर की शाम 4:12 से शाम 6:43 तक और फिर रात 9:04 से देर रात 2:38 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 3:14 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:38 से दोपहर 2:55 तक, मुंबई दोपहर 2 से दोपहर बाद 3:23 तक, चंडीगढ़ दोपहर 1:38 से दोपहर 2:54 तक, लखनऊ दोपहर 1:24 से दोपहर 2:42 तक, भोपाल दोपहर 1:40 से दोपहर बाद 3 तक, कोलकाता दोपहर 12:57 से दोपहर 2:17 तक, अहमदाबाद दोपहर 1:59 से दोपहर बाद 3:19 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:33 से दोपहर 2:58 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।